जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन अब जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल को इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट भारतीय प्रेसिडेंट के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सबसे पहले हम इसके टॉपिक को डालते हैं। देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म आपका प्रेसिडेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस मींस होता है शक्ति। देखिए, किसी भी बिल को पास करने के लिए सबसे पहले उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास कराना होता है। देखिए, सबसे पहले लोकसभा में वो बिल पेश होगा, उसके बाद पास हो जाएगा पूरी बहुमत से, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद ये इसको भेजा जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट इस बिल पे सिग्नेचर कर देंगे तो वो जो बिल था वो एक्ट यानी कि कानून में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ पे जो वो बिल था वो राष्ट्रपति के साइन के बाद एक्ट यानी कि कानून में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस यानी कि इमीडिएट एक्शन यानी कि अचानक से प्रेसिडेंट को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें कोई भी बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कोई भी कानून डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही उस कानून को बना देते हैं। इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि किन किन कारणों से भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन यानी कौन कौन से तरीके हो गए हैं, और वो बिल कितने समय के लिए पार्लियामेंट या लोकसभा द्वारा पास करना जाना चाहिए जिसके बाद वो बिल। अब हम एक एक पॉइंट्स को देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए, देखिए आर्टिकल 123 यानी कि देखिए सबसे पहले ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर किसमें है, आर्टिकल 123 यानी कि आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 में किस राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। तो याद रखिए आर्टिकल 123, आप ऐसे याद रखिए अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, याद रखिए रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दीज ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एक्ट एज द पार्लियामेंट बट आर इन द नेचर ऑफ टेम्पररी बेसिस। आप इतने लंबे टॉप पैराग्राफ को देख के डरिए, इसको मैं एक आसान से हिंदी में समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 में है, 1, 2, 3। और ये अध्यादेश जब कब जारी किया जा सकता है, जब पार्लियामेंट रिसेस में, हम जानते हैं देखिए लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा उसके बाद प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला क्या होता है पार्लियामेंट, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनाया जाता है। लेकिन यहां अध्यादेश जारी करने की पावर में यह होता है कि लोकसभा और राज्यसभा रिसेस यानी कि छुट्टी पे है, ये है ही नहीं यानी कि ये लोग सदन में नहीं बैठे हैं। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट चाहे यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 की तरह। और जो ऑर्डिनेंस होगा वो सेम प्रेफर एक्ट करेगा, यानी कि अगर कोई भी कानून ऑर्डिनेंस के तहत बनाया जाता है यानी कि अध्यादेश की तरह बनाया जाता है तो वो कानून सेम काम करेगा जैसे पार्लियामेंट में भी कोई एक्ट पास किया हो। ये समझिए, अगर कोई भी कानून पास करना है, जैसे मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट पे कुछ कानून बनाना है यानी कि यातायात से संबंधित कोई कानून बनाने हैं, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश होगा, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ अगर बिल पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उसका सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि लोकसभा और राज्यसभा सेशन में हो नहीं यानी कि सदन में ना हो, छुट्टी पे हो, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति उस एक्ट पे डायरेक्ट बिल पास कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के तहत यानी कि 123 अनुच्छेद के तहत डायरेक्ट बिल पास कर देंगे और वो जो कानून बनेगा वो सेम एक्ट करेगा जैसे पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा बिल बनाया जाए यानी कि कानून बनाया जाए। तो इस आर्टिकल्स में हम अपने अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही हैज बीन वेस्टेड टू हिम टू डील विद द अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर्स। आप इतने बड़े पैराग्राफ को मत देखिए, इसको मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं लेजिस्लेचर द्वारा जो कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को दिया गया है।
अध्यादेश जारी करने की पावर जो प्रेसिडेंट्स को दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जो प्रेसिडेंट्स को दिया गया है क्या करने में, अनसर्टेन कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए जिसमें वो कानून बना सके, जिसमें वो कानून बना सके। अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है, तो इस कंडीशन में मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसमें कानून बना के वहां वहां के देश के लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर कानून ही नहीं होगा तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, यानी उसको जारी कैसे किया जाएगा। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट को यह शक्ति दी गई लेजिस्लेचर द्वारा कि वो अनसर्टेन कंडीशन में अचानक से किसी कानून को बना सकते हैं और उनको किसी भी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर उनका मन करेगा तो वो कानून बना सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं, ही कैन प्रोपोलेट द ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। देखिए अगर कोई भी कानून बनाना होगा जनरल मैटर यानी कि सामान्य तरीके से, तो कोई भी लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाती है, लोकसभा में पेश करेगी, वहां पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ, उसके बाद वो राज्यसभा में भेज दी जाती है, अगर वहां से पास हो गया तो वो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए चला जाता है। अब राष्ट्रपति उस पर कौन सा वीटो का इस्तेमाल करते हैं वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को कोई कानून बनाना है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के तहत, तो अब वो कैसे बना सकते हैं कि दोनों पार्लियामेंट हाउस का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट हाउस का मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों सेशन में नहीं यानी कि एक छत के नीचे लोग नहीं बैठे हैं, लोकसभा वाले सदन में बैठे और राज्यसभा वाले सदन में बैठे, जहां पे सदन मतलब जहां के मेंबर्स यानी कि लोग इकट्ठा होके किसी भी बिल यानी कि कानून को पास कराते हैं, किसी भी बिल पे अपना वोट देते हैं। तो इस कंडीशन में ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट तभी जारी कर सकते हैं जब दोनों पार्लियामेंट हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन यानी कि सत्र में ना हो, अब्सेंट चल रहे हो, तब इस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 यानी कि आर्टिकल 123 के तहत। अगर आप इस कंटेंट को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज से, वहां भी हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसपे सारा कंटेंट में ऑलरेडी PDF के फॉर्म में अपने स्टूडेंट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF फॉर्म। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, तो देखिए He can make an ordinance only when he is satisfied that the circumstances exist that rather is necessary for him to take an immediate action. आप इतने बड़े सेंटेंस में मत जाइए, मैं आसान से समझाता हूँ आपको। He can make an ordinance, वो अध्यादेश जारी कर सकता है तब जब उसको लगे कि जो circumstances यानी कि जो परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा जटिल हो चुकी हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है देश में जिसको कंट्रोल करना अब मुश्किल हो रहा है, तब इस कंडीशन में उसको इमीडिएट एक्शन यानी कि अचानक से कोई भी कार्य या कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा टू इशू एन ऑर्डिनेंस। क्या मतलब, उसको ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए, तो ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन इट सैटिस्फाइड द सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, यानी कि जो परिस्थितियां वो काफी ज्यादा हो गए, इस कंडीशन में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगर कोई भी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है और परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल होती चली जा रही हैं, जिसमें देश में लोगों को परेशानी हो रही है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति खुद अध्यादेश जारी करने की पावर रखते हैं और अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट देखिए, द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट फॉर बीइंग मेलफाइट। देखिए अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने यानी कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तो क्वेश्चन में आपको ये पूछता है कि जो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है क्या उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, उसको कोर्ट में अपील किया जा सकता है, तो आंसर है यस। वी डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट फॉर बीइंग मेलफाइड। अगर प्रेसिडेंट कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो इंफोर्सिबल कोर्ट में इंफोर्सिबल है, यानी कि उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। आप ये याद रखिए, आपको एग्जाम में जरूर पूछता है कि अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो इसका आंसर है हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं
तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन सारी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी विद और इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपने अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। द ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशू टू द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये देखिए अमेंडमेंट यानी कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन में ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल समझिए, देखिए आर्टिकल 370 और 35 पे क्या है, आर्टिकल 370 एंड 35 ए जिसमें स्पेशल प्रोविजन थे यानी कि स्पेशल दर्जा मिला हुआ था जेएनके यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल अवधान मिला हुआ था। इस कंडीशन में क्या प्रेसिडेंट ने इस पर अध्यादेश जारी किया? नहीं, इमीडिएट लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास किया गया और उसके बाद तुरंत ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ले लिया गया उस पर, जिसके कारण वो अमेंडमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन हो गया। आर्टिकल 370 और 35 ए में जो स्पेशल कैटेगरी मिले हुए थे जेएनके को, जम्मू एंड कश्मीर को, तो इसमें देखिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किया? नहीं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा द्वारा बिल पास करके प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर किया यानी कि उस बिल को अप्रूव दिया, हरी झंडी दिखाई। तो इस कंडीशन में आप याद रखिए कि ऑर्डिनेंस एक ही पाउंड अब जो प्रेसिडेंट्स होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट्स के द्वारा। तो ये आप पॉइंट जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस में ये दे देता है, क्योंकि क्वेश्चंस सीडीएस और यूपीएससी के क्वेश्चंस में क्या आते हैं, अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसका आंसर है नो, अगर कई स्टेटमेंट क्वेश्चन जबकि एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस डाल देते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि प्रेसिडेंट के जो अध्यादेश जारी करने की पावर है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर कर सकता है, कि इसका आंसर है नो। अगर आप नहीं जानते हो आप यस करके जाएंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को किसी के पक्ष में कानून बना सकता है, तो लेकिन यहाँ पे इसका आंसर होगा नो। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशू ओनली फॉर दो सब्जेक्ट ऑन विच अ पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए ऑर्डिनेंस उन्ही चीजों पे जारी किया जा सकता है जिसमें पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को पावर है बिल बनाने की यानी कि सदन में पेश करने की। जैसे आप समझिए जो जुडिशरी होता है न्यायपालिका कि जज वगैरह जिसमें आते हैं उसमें कानून जज बनाने की जो शक्ति होती है वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है, कौन सीजीआई होगा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, कौन सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उसके अंदर जितनी प्रावधान होती है उसमें पार्लियामेंट को पावर नहीं है लॉ बनाने की, उसमें जुडिशियल उस पर लॉ बनाती है। यानी कि समझिए अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का कंट्रोल नहीं है तो उन चीजों पे प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। आप ये याद रखिए पार्लियामेंट जो लॉ बना सकती है जिसमें उसकी पावर्स है उसी पावर्स में प्रेसिडेंट अपना ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। एन ऑर्डिनेंस इज अ सब्जेक्ट टू अ सेम कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्ट एज द पार्लियामेंट, हेंस ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी टेकिंग अवे फ्रॉम द एनी एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आप ये देखिए मूलभूत अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आप कोई भी कानून बनाइए, कोई भी लॉ बनाइए, कोई भी लॉ बनाइए, आप किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन ना हो यानी कि उसके मूलभूत अधिकारों का दहन ना हो यानी कि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आप कोई भी कानून बनाइए, आप बहुमत से पास कराइए, लेकिन उसका इफेक्ट फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार पे नहीं होना चाहिए। तो इसी कंडीशन में पार्लियामेंट को ये पावर है ही नहीं वो मूलभूत अधिकारों को हनन करते हुए कोई भी ऐसा कानून बनाए यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हनन पे कोई भी कानून बनाए। तो जब उस लॉ पे यानी कि फंडामेंटल राइट्स पे पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे ही प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी नहीं कर सकते यानी कि ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकते हैं फंडामेंटल यानी कि एफआर के ऊपर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक हम अपने और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। एवरी ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल। देखिए इसका मतलब क्या होता है,
एवरी ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या होता है रिसेस, यानी कि छुट्टी पे है। हम जानते हैं तीन सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, समर सेशन, विंटर सेशन, एक मानसून सेशन, यानी कि 12 को तीन सेशन में बांट दिया, 1, 2, 3, और इन तीनों सेशन का जो डिफरेंस होता है वो देखिए 4 महीने, 4, 4, 4, एक ये सेशन, एक ये सेशन और एक ये सेशन, यानी कि 4, 4, 8, 4, 12, यानी टोटल को मिला देंगे तो 12, लेकिन इन तीन बार में एक साल में सबको एक साथ मिलकर लोकसभा और राज्यसभा में बैठना होता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो क्या है 6 महीने, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है 6 महीने। अगर दो सेशन में हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6, ये भी हो जाएगा आपका 6, टोटल हो गया आपका 12। यानी कि देखिए कोई भी कानून अगर बनता है, कोई भी अगर माले पार्लियामेंट है, वो कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर मिलेगी। अगर 6 महीने में एक बार नहीं मिलती है तो उसको उसके बहुमत को रद्द कर दिया जाता है। तो देखिए यानी कि प्रेसिडेंट कोई भी अगर ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करते हैं तो वो मैक्सिमम 6 मंथ और 6 वीक, आप याद रखिए ये क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में पूछ चुका है कि कितने टाइम के लिए होता है। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय द हाउस इट बिकम एन एक्ट, अगर कोई भी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो 6 मंथ, देखिए 6 मंथ प्लस 6 वीक, देखिए इफ द पार्लियामेंट टेक नो एक्शन एट ऑल द ऑर्डिनेंस सेसेस ऑफ द अप्रियन on the expired of 6th week for the reassemble of the parliament, देखिए 6th week from the reassemble of the parliament, reassemble क्या होता है देखिए, अगर साल में अगर दो बार मिलते हैं तो 6 और 6 महीने में मिलेगी, तो कोई भी ऑर्डिनेंस अगर जारी होता है, कोई भी अध्यादेश अगर जारी होता है तो मैक्सिमम उसका टाइम पीरियड कितना होता है 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, देखिए कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर मिलेंगे, अगर वो 3 महीने में मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उतने में वो उस कानून को अगर लगाना चाहे जो प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव किया गया है, अगर उस कानून को वो पास नहीं करते हैं तो प्रेसिडेंस का ऑर्डिनेंस का जो ऑर्डिनेंस है जो नया कानून बनाया गया वो रद्द हो जाता है। लेकिन अगर उस बनाए हुए कानून जो ऑर्डिनेंस के तहत यानी कि अध्यादेश के जारी करने के पावर से प्रेसिडेंट ने बनाया है उसको कम से कम सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और 6 वीक, 7×6=42, यानी कि 6 महीने और 42 दिन, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पूछता है एग्जाम्स में कि ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी किया जाता है उसके बाद उसको 6 महीने और 6 वीक के अंदर अंदर अगर उस पर कानून यानी कि लोकसभा और राज्यसभा पूर्ण बहुमत से पास कर देती है तब वो क्या बन जाता है कानून, वो परमानेंट कानून हो जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस के तहत कानून बनाया जाता है, ऑर्डिनेंस के तहत जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, यानी कि उसका टाइम पीरियड 6 मंथ एंड 6 वीक्स भी जो होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपने लास्ट पॉइंट को देखते हैं ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स में, देखिए इट मस्ट बी क्लेरिफाइड हियर दैट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, हैज नॉट नेसेसरी कनेक्टेड विद द नेशनल इमरजेंसी इमर्ज आर्टिकल 100-352, द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इवन देयर इज नो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। आप इतने बड़े सेंटेंस को मत देखिए, हम इसको आसान समझते हैं। देखिए इसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में ही घोषित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ना ही वो किसी प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं कोई वॉर हो यानी कि किसी देश से लड़ाई चल रही हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी शक्तियों का कुछ आवागमन हो यानी कि देश में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो होनी चाहिए यानी कि या आर्म रिवेलियन यानी कि गृह युद्ध चल रहा हो, इन कंडीशन में ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर प्रेसिडेंट्स को है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन सभी मैटर्स में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दे। इसमें क्या लिखा है देखिए, इट मस्ट बी क्लियर हियर दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट हैज नॉट नेसेसरी, क्या ये जरूरत नहीं है कि अगर नेशनल इमरजेंसी है तो वो तुरंत ऑर्डिनेंस जारी कर दे, ऐसी चीजें हो सकती हैं लेकिन ये हमेशा के लिए जरूरी नहीं है, ना कि
कोई वार चल रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी कोई एग्रेशन है, या सिविल वॉर चल रहा हो, तो इन कंडीशन में प्रेसिडेंट जारी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ये सब चीजें भारत में हो रही है यानी कि देश में हो रही है तो तुरंत वो ऑर्डिनेंस जारी कर दें। तो देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने एक, अब मैं समराइज करता हूँ कि हमने पूरे तब से क्या पढ़ा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन इसमें क्वेश्चन भी, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं और ऑर्डिनेंस के क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही जटिल होते हैं। तो देखिए ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 में, 23 में, 1, 2, 3 यानी कि 123 में आर्टिकल्स में ऑर्डिनेंस का इशू करने की पावर प्रेसिडेंट को देता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किन किन कंडीशन में प्रेसिडेंट अपना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब दोनों पार्लियामेंट हाउस लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ना उपस्थित हो या दोनों में से कोई एक उपस्थित है। कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले दोनों सदन का होना जरूरी होता है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट कुछ अपना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं लेकिन वो ऑर्डिनेंस 6 महीने और 6 हफ्ते के लिए होता है क्योंकि जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो साल में 3 बार होता है और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है जिसमें उनको मिलना है वो है आपका 6 मंथ यानी कि 6 महीने में उनको मिलना ही मिलना है सेशन में। तो उसके बाद 6 हफ्तों के बाद अगर उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो वो जो एक्ट बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाने, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे। प्रेसिडेंट ये जरूरी नहीं है कि वो नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल वॉर, सिविल वॉर के अंदर ही प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये होते ही वो तुरंत ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। वो जो ऑर्डिनेंस यानी कि जो भी कानून बनाते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट को उसको उसमें बिल लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास किया जाता है। क्या प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, तो आंसर है नो। क्या प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं उसको कोर्ट में अपील किया जा सकता है, इसका आंसर है यस। क्या प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जिसका आंसर है नो। तो ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें बन के आते हैं। इस वीडियो में हमने इसके बारे में समझा। अगर आप चाहते हैं इन सभी नोट्स का PDF डाउनलोड करना तो आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आप चाहते हैं इसको शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।